आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज़, मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं सीहोर जिले की प्रमुख खबरों की। आज सीहोर में भोपाल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने सीहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का सघन जनसंपर्क किया और लगभग आधा दर्जन सभाओं को संबोधित कर ग्रामीणों से घर घर पहुंचकर अपना जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत साध्वी प्रज्ञा भारती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सेमरदांगी गांव में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी देश की जनता से यह कह रहे हैं कि आप मेरे नाम को देखकर वोटिंग करें, मतलब देश के 543 सांसद उनके सामने कुछ नहीं है। सवाल है कि फिर काम करने संसद क्षेत्र में कौन आएगा। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने भगवा पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो व्यक्ति भगवा पहनकर खुद को संत कहता है उसको सांसारिक जीवन से दूर रहना चाहिए और चुनाव लड़ने से परहेज करना चाहिए। जो वोट मांगता है वह संत नहीं। हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा। देश और सारी ईसाइयों का राज रहा तो कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा। केवल वोट 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 हमें जिता दो और जीतने के बाद कुर्सी पर बैठकर उसके बाद जो करना है करो, चिंता मत करो। राम जी के मंदिर भी केवल 5 साल में एक बार याद आते हैं। राम जी को भी हिचकी 5 साल में एक ही बार आती है, बहुत याद करने नहीं किया। गौ सेवा आयोग बनाया, गौ माता की सेवा की, कोई बुरा काम तो नहीं किया। पुजारियों का वेतन बढ़ाया, कोई बुरा काम तो नहीं किया। लेकिन साथ में मौलवियों का वेतन भी बढ़ाया। साफ समाज को हमने जमीनें दी और हमारे वचन पत्र में तो अभी है कि पूरे प्रदेश में जहां कोई धार्मिक स्थल बना हुआ है सरकारी जमीन पर बना हुआ है और उसकी मान्यता है, उसमें पूजा हो रही है, इबादत हो रही है, तो वो जमीन भी उनके लिए कर दी जाएगी। फिर भी कांग्रेस दुष्ट है, पापी है, ये लोग कहते हैं अधार्मिक है। और अब क्या हो गया, बिजली हमारे उस समय जब मैं मुख्यमंत्री था विभाजन हो गया छत्तीसगढ़ में, सारी बिजली कारखाने चले गए, छत्तीसगढ़ में बिजली कमी आ गई। छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमें बिजली बेचने के बजाय गुजरात को बिजली बेच दी, जो भी रहा हो। भारत निर्वाचन आयोग ने किसी निर्वाचन में केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों और सांसदों, विधानसभा एवं विधान परिषदों के सदस्यों तथा राज्य का सुरक्षा कवर प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता बनाने पर रोक लगाई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्र एवं मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती और ना ही उनकी सुरक्षा को उनके सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति में खतरे में डाला जा सकता है। आयोग के मुताबिक सुरक्षा कवर करने वाले किसी व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता बनाने के लिए सुरक्षा कवर वापस करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है। कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने अहमदपुर में आम सभा को भी संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी श्री दिग्विजय सिंह का चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान भाजपा से आगे निकलता जा रहा है। अपने धुरंधर प्रचार अभियान में श्री दिग्विजय सिंह ने आज सीहोर विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन सभाओं को संबोधित किया। वहीं अहमदपुर में कार्यकर्ताओं के द्वारा चरनाल जोड़ पर ग्राम पंचायत सरपंच स्वरूप ठाकुर द्वारा गर्मजोशी के साथ सांसद प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का स्वागत किया गया। अहमदपुर कांग्रेस कार्यालय के सामने कार्यकर्ता द्वारा मेन बाजार अहमदपुर से भोपाल लोकसभा सांसद प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को पैदल जनसंपर्क करते हुए कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। जगह जगह पर व्यापारियों के द्वारा फूल मेला माला पहनाकर इनका भव्य स्वागत किया गया। और अगर मैं आतंकवादी हूं तो मुझे गिरफ्तार करवाइए। मामा जी मुझे देशद्रोही कहते हैं और उनका उम्मीदवार मुझे आतंकी कहता है। केवल लोगों के खिलाफ जहर उगलना ही उनकी राजनीति है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। 45 साल से मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में हूं और एक दाग मेरे पे नहीं है। कोई मध्य प्रदेश का या देश का व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने किसी से पैसा लेकर किसी काम के लिए मैंने उसे रिश्वत ली हो या मैंने उसे पैसा लिया हो, कोई कह नहीं सकता।
15 साल लगातार मामा जी ने मेरी सारी फाइलें खुलवाई कि कहीं दिग्विजय सिंह पकड़ में आए, लेकिन कहीं कोई प्रमाण उनके पास नहीं मिला। उमा भारती जी ने मुझ पर आरोप लगाया, मैंने उन्हें अदालत में खड़ा कर दिया और अदालत में आज तक 15 साल हो गए, मुझ पर कोई केस नहीं बन पाया। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमें WhatsApp पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9300635963। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीओ लाइन 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।